सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे और सभी को नमस्कार मेरा। हम लोग नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं रीजनिंग का, जो कि क्यूब और क्यूबॉइड यानी कि घनव घनाभ है। ये घनव घनाभ जो है वो आप मैथ्स के टॉपिक मेंसुरेशन में भी पढ़ते हो, लेकिन वहाँ पर फॉर्मूलेस की जरूरत है। लेकिन यहाँ पे एक कंसेप्ट थोड़ा सा अलग होता है। ये सेम टॉपिक आप लोग मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्रमिति के टॉपिक में भी आप लोग पढ़ोगे, क्षेत्रमिति और आयतन वॉल्यूम के चैप्टर में, ठीक है, वहाँ पे भी हम लोग देखेंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ जो है वो अलग चीज़ है, यहाँ पे हम लोग कलर से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग ज़रा पहले अपना क्वेश्चन जो है देख लेते हैं, ठीक है, और जल्दी से इस टॉपिक को पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर पार्ट टू में से क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेंगे। कंसेप्ट बहुत ही छोटा सा है, ठीक है, आ जाओ शुरू करते हैं हम लोग। जो हम लोग का फर्स्ट टॉपिक है दैट इज़ क्यूब एंड क्यूबॉइड, ठीक है, दैट इज़ क्यूब एंड क्यूबॉइड, ठीक है। इसको इंग्लिश में, इसको हिंदी में कह सकते हम लोग घन और घनाभ। कुछ लोग इसको पासे में भी पढ़ा देते हैं जो डाइस का चैप्टर है, लेकिन हम लोग इसको अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ तो हम लोगों का जो टॉपिक है उसमें कुछ फॉर्मूले लिखने होते हैं, वो फॉर्मूले भी मैं आप लोगों को लिख देता हूँ, ठीक है। ताकि एक्चुअली ये चैप्टर हम लोग दो तरीके से पढ़े, एक तो हम क्यूब का पढ़ेंगे और एक हम लोग क्यूबॉइड का पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग घन को पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो घन घन में पढ़ने के ये जो चीज़ें हैं वो ये हैं कि सबसे पहले आपको पता है कि कोई भी जो घन होता है ना, जो बच्चे वो जो पजल वाली गेम खेलते रहते हैं, कलर्स मैचिंग वाली, एक क्यूब सा बॉक्स होता है उसमें कलर बनाने होते हैं, सेम फेस पे सारे कलर सिंगल कलर होने चाहिए, कोई भी मल्टीपल कलर नहीं होना चाहिए, तो उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो कभी भी ध्यान रखना कि इस तरह के जितने भी क्यूब्स होते हैं उसमें कॉर्नर कितने होते हैं, उसमें कॉर्नर एक्चुअली चार होते हैं, ठीक है। एक तो ऊपर के चार कॉर्नर होते हैं और नीचे के भी चार कॉर्नर होते हैं ना। जैसे अगर मैं यहाँ पर बनाना चाहूँ एक मिनट के लिए, अगर आप लोग देख पा रहे हो तो, ठीक है, मान लीजिए मैंने ये बनाया यहाँ पे, ठीक है, ये ऐसे बनाया, ये ऐसे जोड़ा, ये ऐसे जोड़ा और ये ऐसे जोड़ा, ठीक है। तो अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे, तो यहाँ पर नंबर ऑफ कॉर्नर्स की अगर मैं बात करूँ तो एक कॉर्नर तो ये हो गया, दूसरा कॉर्नर ये हो गया, तीसरा कॉर्नर ये हो गया, चौथा कॉर्नर ये हो गया, पांचवा ये हो गया, छठा ये हो गया, सातवां ये हो गया और आठवां ये हो गया। यानी किसी भी क्यूब या क्यूबॉइड कोई भी हो, इसमें जो नंबर ऑफ कॉर्नर्स होते हैं वो बेसिकली आठ होते हैं, और जितने भी कॉर्नर होते हैं गाइस उस पर तीन कलर फेस होता है, ठीक है ना। तीन कलर कैसे फेस होता है, एक तो इस साइड का फेस हो जाएगा, एक इस साइड का फेस हो जाएगा और एक ऊपर का भी कलर का फेस हो जाएगा, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि कोने वाले घन, पहला जो फॉर्मूला आता है इसके फॉर्मूले पे ही डिपेंड करता है, ये इसके जो जितने भी फॉर्मूले हैं उसी पे यानी कि डिपेंड करता है पूरा का पूरा चैप्टर। तो पहला जो आपका पॉइंट है वो आपका कोने वाले घन यानी कि कॉर्नर क्यूब्स, ठीक है ना। और कॉर्नर क्यूब्स को आप क्या लिख सकते हो, थ्री सरफेस पेंटेड, है ना, थ्री सरफेस पेंटेड, है ना। क्या कह सकते हो उसको, इसको हम लोग हिंदी में कहेंगे कोने वाले घन, या सबसे ज्यादा जो कहा जाता है वो ये कहा जाता है कि तीन सतह रंगीन, ठीक है, तीन सतह रंगीन की अगर हम बात करें तो इन दोनों का आंसर जो होगा वो गाइस एट होगा, हमेशा तीन सतह रंगीन का भी आठ आंसर होगा और कोने वाले घनों की संख्या भी जो होगी वो आठ होगी, ठीक है। दूसरे की अगर हम बात करें, दो सतह रंगीन की अगर हम बात करें गाइस, ठीक है, तो मध्यस्थ घन भी कहते हैं इसको, ठीक है, मैं पहले इंग्लिश में लिखता हूँ, इसको मिडल क्यूब्स भी कहते हैं, ठीक है, मिडल्स क्यूब भी कहते हैं, और वन सरफेस टू सरफेस पेंटेड भी कहते हैं, टू सरफेस सरफेस पेंटेड भी कहते हैं, ठीक है। हिंदी में इसको क्या कहते हैं, हिंदी में इसको कहते हैं गाइस मध्यस्थ घन, या फिर हम कह सकते हैं दो सतह रंगीन, ठीक है। तो इन दोनों का जो आंसर होगा, इसका जो फॉर्मूला होगा बेसिकली वो होगा 12n-2। अब ये n क्या चीज है, n की डिस्कशन हम लोग अभी करेंगे कि n कहाँ से आ रहा है। ये थर्ड थिंग जो है गाइस वो ये कि केंद्रीय घन, ठीक है ना, केंद्रीय घन को हम लोग सेंट्रल क्यूब्स भी कह सकते हैं, तो सेंट्रल क्यूब हो जाएगा आपका, ठीक है,
इसको हम लोग वन सरफेस पेंटेड भी कहते हैं, वन सरफेस जो बिल्कुल, जो मान लीजिए एक फेस आएगा ना, जैसे मान लीजिए एक तरफ फेस है इसका, ठीक है, तो इसका जो बीच में जो क्यूब्स होंगे ना, एक तो कॉर्नर के होंगे, एक तो यहाँ कॉर्नर पे होगा, एक यहाँ पे होगा, मान के चलो मैं तीन का बना लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, मान के चलिए ये एक क्यूब का एक फेस है, एक दो तीन, एक दो तीन, ठीक है, तो ये वाला जो सरफेस होगा ना, जस्ट ये वाला, इस पर सिंगल साइड ही पेंटेड होगा, जब इसको काटेंगे तो अंदर से जो इसकी तीन साइड होंगी वो बिल्कुल ही अनपेंटेड निकलेंगी, ठीक है। तो सेंट्रल क्यूब का क्या हो जाता है आपका, वन साइडेड पेंटेड आप कह सकते हो, वन साइड या वन सरफेस पेंटेड, ठीक है ना, एक सतह रंगीन का आप कह सकते हो, ठीक है। इसको केंद्रीय घन कह सकते हैं हम लोग, केंद्रीय घनों की संख्या, या फिर हम कह सकते हैं एक सतह रंगीन, एक सतह रंगीन, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला बनता है वो बेसिकली 6n-2 का स्क्वायर। अब ये n क्या चीज़ है वो फिर से हम लोग डिस्कस करेंगे। तीसरा चौथा गाइस एक और बनता है आपका, ये भी आपका क्या, इनर सेंट्रल क्यूब्स कहलाएगा ये, ठीक है, समझने की कोशिश करना ये क्या चीज़ है, इनर सेंट्रल क्यूब, ठीक है ना, इनर सेंट्रल क्यूब कहलाएगा, और कलरलेस कहते हैं इसको, ठीक है, कलरलेस कहते हैं इसको, यानी इसको कहते हैं हम लोग आंतरिक केंद्रीय घन, आंतरिक केंद्रीय घन, ठीक है, और बिना रंगे हुए भी कह सकते हो, बिना सतह रंगीन या कोई सतह रंगीन नहीं, बिना रंगीन सतह, बिना रंगे हुए कह लो आप, या फिर कह लो कोई सतह रंगीन नहीं, ठीक है। इसका फॉर्मूला जो हो जाएगा वो n-2 की पावर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा एक और बचता आपका छोटे घनों की कुल संख्या, ये तीन ही फॉर्मूला है बेसिकली, ठीक है ना, एक दो तीन। इसके अलावा एक और डिस्कशन आती है छोटे घनों की कुल संख्या कितनी होती है, और दो बातें हैं, तो ध्यान से सुनना आप लोग, मैं यहीं पे लिख देता हूँ। मान के चलिए, सुनिए मेरी बात ध्यान से, समझने की कोशिश करना आप लोग, मान के चलिए कि एक क्यूब था, राइट, हमारे पास एक क्यूब था और कुछ इस प्रकार से रहा होगा वो, ठीक है, इस प्रकार से रहा होगा। मैं थोड़ा सा ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ, मैं प्रोजेक्शन के भी थ्रू आपको दिखा सकता था, लेकिन मैंने कहा कि विदाउट प्रोजेक्शन ही ले लेते हैं क्लास, ठीक है। एक तो ये हो गया सेकेंडरी, ये हो गया, ठीक है, और थर्ड आपका ये हो गया, ठीक है। अब आप समझने की कोशिश करना कि मान के लिए चलिए कि ये 3 सेंटीमीटर का एक घन है, एक दो तीन, ठीक है ना, तो इसको जब काटा गया तो छोटे घनों की जो संख्या बनी, इसको जब काटा गया इस पूरे बड़े घन को, तो जो छोटे घन बने, ठीक है ना, छोटे जो घन बने उनकी संख्या बनी मान लीजिए 27। तो इस 27 से आप बड़े घन की भुजा यानी कि बड़े घन की साइड एज कैसे निकालेंगे आप लोग, ठीक है ना। तो इसका सिंपल सा तरीका होता है गाई कि छोटे घन, पहली बात तो एक फॉर्मूला ये होता है, छोटे घनों की जो संख्या होती है, ये एन बेसिकली जो मैं बार बार कह रहा था ना, ये एन बड़े घन की भुजा होती है। एन क्या होता है आपका, एन जो होती है वो बड़े घन की भुजा की लंबाई होती है, बड़े घन की भुजा की लंबाई होती है, भुजा की लंबाई होती है, यानी कि लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द बिगर क्यूब, क्यूब के सारी साइड्स इक्वल होती है, तो कोई भी साइड आप ले सकते हो। तो छोटे घनों की अगर आपको संख्या निकालनी हो तो बड़े घन की जो भी भुजा, मान लीजिए 3 है ना, तो 3 का क्यूब करने पे क्या आएगा, 27 आ जाएगा, तो आप इसे एन कह सकते हो, ठीक है, ठीक है। तो एन के क्यूब, यहाँ पे एन क्या आपका, बड़े घन की भुजा, बड़े घन की भुजा। एक चीज और बड़ा इंटरेस्टिंग है गाइस, वो ये कि अगर आप इसमें बड़े घन की लंबाई और छोटे घन की लंबाई अगर आप निकालना चाहते हो ना, इसमें दो चीजें बड़ी इंटरेस्टिंग एक आती हैं, इसमें दो क्वेश्चन बड़े इंटरेस्टिंग आते हैं, वॉल्यूम से भी आप इसको जो है निकाल सकते हो। मैं आपको बताता हूँ कैसे। मान लीजिए किसी, आपको मान के चलिए, सपोज करना आप लोग किसी बड़े क्यूब को काटा गया, ठीक है, किसी बड़े क्यूब को काटा गया है और टोटल नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स बने 125, यानी छोटे क्यूबों की संख्या जो बन गई वो 125 बन गई है। अब तो अगर 125 बन गई है तो आपको पता है कि छोटे घनों की संख्या जो होती है वो किसके बराबर होती है, एन के क्यूब के। तो 125 बराबर कितना हो जाएगा आपका, एन का क्यूब हो जाएगा। तो इस पर अगर क्यूब रूट अगर लगता है तो वो 5 आ जाएगा, ठीक है। सेकेंडरी अगर इसी में आपको कहूँ एक चीज़, देखो दो बातें गिवन है, एक तो बड़े घन को काटा तो ये आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, और दूसरा अगर मान लीजिए इसका वॉल्यूम भी आपको गिवन है 8 सेंटीमीटर क्यूब या इस तरीके से, ठीक है, तो 8 सेंटीमीटर क्यूब अगर आपको ये वॉल्यूम गिवन है, ठीक है, तो उस वॉल्यूम से आप, अब चूंकि
ये जो होता है क्यूब का वॉल्यूम कैसे होता है, साइड का क्यूब ही तो होता है ना, तो इसकी साइड आ जाएगी 2 सेंटीमीटर आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि 2 का क्यूब ही तो होता ही है। तो आपको पता है कि एन बराबर होता है L1/L2, है ना, ये L1 क्या है, बड़े घन की भुजा है, ठीक है, जबकि L2 क्या आपका छोटे घन की भुजा है। अब n का मान आपका 5 आ गया, ठीक है, इस फॉर्मूले को, ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये बड़े घन की भुजा है ना, और ये छोटे घन की भुजा है। अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ठीक है, अब देखो आपका n का मान आपका 5 आ गया, ठीक है, L1 आपको गिवन नहीं है, ठीक है, और L2 आपको गिवन, आई थिंक 2 गिवन शायद क्वेश्चन में है, ठीक है, 2 गिवन है, तो 2 गिवन है, तो L1 का मान कितना आ जाएगा आपका 10 आ जाएगा। तो आपसे सवाल में अगर पूछता ना कि बड़े घन की भुजा की लंबाई याद करो, तो बड़े घन की भुजा की लंबाई जो है बेसिकली वो 10 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है, आयतन जो है उसका वो ये हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये सारे फॉर्मूले जो हैं बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक बार आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, मैं साइड हट जाता हूँ, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, उसके बाद फिर फर्दर क्वेश्चन जो हम लोग प्रैक्टिस में करने की कोशिश करेंगे। हाँ जी, तो आई होप आप लोगों ने ले लिया होगा, पूरा का पूरा चैप्टर, पूरा का पूरा टॉपिक जो है वो इसी फॉर्मूले पे, 4 फॉर्मूले पे बेस्ड है, कोई इशू नहीं आने वाला है। अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे तो एक डाइस को ये लोग या तो एक ही कलर में डिप करके निकाल सकते हैं, या फिर अलग अलग मल्टीपल्स कलर में भी डिप करके निकाल सकते हैं, जैसे एक तरफ तो ब्लू पेंट कर दिया, ऑपोजिट साइड में ब्लैक कर दिया, या ऑपोजिट कलर में, ऑपोजिट साइड्स में सेम कलर पेंट किए हैं, ठीक है, इस तरह क्वेश्चन निकलते हैं, बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं बनते हैं, ठीक है। तो मैं 1-2 क्वेश्चन आप लोगों को कराने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, तो क्वेश्चन ये है हमारा पहला, या एक काम करते हैं, इसकी डिस्कशन तो हम लोगों ने कर ही ली है ऑलमोस्ट, है ना, इसके क्वेश्चन ही कर लेते हैं गाइस, ठीक है, तो ये हमारा ठीक है, क्वेश्चन ये हो गया हमारा, अब इसके बाद से क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं।